हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज मिलती रहती हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि कार को सिंगल रोड पे चलाते वक्त हमें किन किन बातों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी कार को कंट्रोल करना चाहिए ऐसे रोडों पे। तो अभी मैं हूँ पिकनिक स्पॉट वाले एरिया में और ये जो रास्ता है वो सिंगल रोड है, 8 से 10 फीट का रोड है। और ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि हम अपनी गाड़ी को आसानी से चला सकें। तो अभी आप अगर मेरे सामने देख रहे होंगे तो ये गाड़ी जो है सामने से आ रही है टोयोटा की। अब इस गाड़ी को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कार नहीं निकल पाएगी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आसानी से गाड़ी निकल सकती है। अगर आप सामने अपनी गाड़ी के साथ साथ सामने वाले पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सामने से जब कोई गाड़ी आ रही है तो उसको कैसे पास देना चाहिए और कितना गाड़ी अपनी लेफ्ट दबानी चाहिए और कितना पहले आपको उसको पासिंग डिपर देना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी इनको पासिंग डिपर दे दिया है और सामने देखेंगे तो दो बंदे भी जा रहे हैं जिनको मैंने हॉर्न देके अलर्ट कर दिया। यहाँ पे हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक लेके मैंने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को ब्रेक पे पैर लाके धीमा करना है और उसके बाद क्लच दबा के गियर चेंज कर लेना। अब मुझे यहाँ से राइट जाना है तो ब्लाइंड टर्न है। अब ऐसे टर्निंग पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि जो सामने वाला स्टूडेंट होता है ना, सामने वाला जो बंदा जो कार चला रहा होता है वो सिग्नल नहीं देता, कई बार हॉर्न नहीं देता और गाड़ी रफ ड्राइविंग करता है। ऐसी कंडीशन में सामने से देखो 800 आ रही मेरे। अब मैंने उसको पासिंग डिपर दिया और अपना राइट वाला पैर मैंने ब्रेक पे रख लिया, उसने भी गाड़ी थोड़ी सी साइड दबाई और मैंने भी साइड दबाई। 10 फीट के रोड में दो गाड़ियां आसानी से निकल गई, क्योंकि जो टायर है हमारी गाड़ी के, उन टायरों का जो जजमेंट है वो 4 फीट पे है। लेफ्ट और राइट वाले टायर जो है वो दोनों 4 फीट के उसपे है और गाड़ी की जो चौड़ाई है वो 5.5 फीट है, क्योंकि बॉडी गाड़ी की जो है टायर बहुत अंदर है। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा तो आसानी से आप अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने गाड़ी डाल दी 4th गियर में, अब ये सिंगल रोड है, सामने से कोई भी गाड़ी आ सकती। इस तरीके का अगर कोई ब्लाइंड टर्न हुआ करे तो वहां सबसे पहले आपको हॉर्न देना है। सामने से बाइक आ रही है, मैंने उसको पासिंग डिपर दे दिया है एक बार, क्योंकि उसकी ऑलरेडी लाइट ऑन है। 2018 के बाद जितनी गाड़ियां लॉन्च हुई सब में एलईडी जलती रहती है। तो ये जो रोड है ये करीब 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में है, जंगलपुरा पिकनिक स्पॉट एरिया, ये खुर्रम नगर चौराहे से और स्कॉर्पियो क्लब तक जाता है, कुर्सी रोड तक। ऐसे रोडों पे अक्सर मैंने देखा एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त होते हैं, बस छोटी सी गलती की वजह से। ब्लाइंड टर्न आ रहा है, यहाँ पे मुझे लॉन्ग हॉर्न देना है। सामने से अगर कोई भी गाड़ी आ रही होती तो वो अलर्ट हो जाता, सामने से देखो थार आ रही है। मैंने क्या करा, ब्रेक लेके गाड़ी को स्पीड कम करा और क्लच दबा के डायरेक्ट इसको मैंने सेकंड गियर में डाल लिया और हल्का सा नीचे गाड़ी मैंने उतार ली, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी थी इसलिए वो बंदा नहीं उतार रहा था, हालांकि उसको भी उतारना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में देखो दोनों लोग का नुकसान होगा, तो इससे बेटर यही है कि साइड कर लो। मेरे बगल से ओला वाले ने निकाला। और जब भी हम किसी को पास देते हैं तो हमारा राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि कार के लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए आपको क्या करना है। अब ये सिंगल रोड है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट में जो व्हाइट लाइन आपको चमक रही है वो उससे हमारा टायर कितनी दूरी पे है? अगर आप अपने लेफ्ट वाले मिरर को बार बार चेक करते हैं, देखते हैं कि आपके लेफ्ट वाले मिरर में क्या दिख रहा है, तो शायद आपको लेफ्ट कार के लेफ्ट साइड का जजमेंट बहुत ही बेटर तरीके से, जबरदस्त जजमेंट जिसको कहते हैं, कमांड हो जाएगा। अगर आप अपने लेफ्ट वाले मिरर को बार बार रिकॉल करते हैं और बोनेट पे लगे फ्लैग रॉड को आप देख सकते हैं कि जो बोनेट पे लगे फ्लैग रॉड है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी गाड़ी का जो लेफ्ट वाला टायर है वो किस पॉइंट पे चल रहा है। सामने से बाइक आई, मैंने उसको पासिंग डिपर दिया, फिर पासिंग डिपर दिया, वो भी मुझे रिटर्न में दे रहा है। ये सिंगल रोड के लिए पासिंग डिपर एकदम रामबाण का काम करता है, समझ रहे हैं? रामबाण का काम करता है पासिंग डिपर, क्योंकि सिंगल रोड पे सामने से जो बंदा आता है उसको जब हम पासिंग डिपर देते हैं तो उसकी आंखों में लाइट लगती है। अभी देखो दो बाइक आ रही, दोनों की लाइट ऑन है। अब मैंने इनको पासिंग डिपर दिया, उसने मुझे रिटर्न में दिया, इसका मतलब वो मेरी गाड़ी को नोटिस कर रहा है, वो मेरी गाड़ी को नोटिस कर रहा है। और अभी फिर सामने से गाड़ी आ गई, अब मैंने क्या करा, गाड़ी रोकी और मैंने गियर को सेकंड कर लिया, उसने भी साइड दबा लिया। तो अब इस तरीके से हम अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी कोई सामने से गाड़ी आ रही हो तो आपको अपनी गाड़ी को धीमा कर लेना है, स्लो करके निकालना। अभी मैंने गियर थर्ड कर दिया और वापस स्पीड मेंटेन कर ली है।
अब सीधा मुझे जाना है। अब यहाँ पे देखो रास्ता दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, बट थोड़ा आगे डाइवर्जन टाइप का दिख रहा है अगर आप नोटिस करेंगे तो। ये मैंने अभी हॉर्न दे दिया लॉन्ग 100 मीटर बिफोर। हॉर्न बजाने के भी कई तरीके होते हैं, जब भी आप किसी ऐसी एरिया में चल रहे हो तो वहां पे लॉन्ग हॉर्न देख रही है इस तरीके से। अब मैंने लॉन्ग हॉर्न दिया और थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, गाड़ी की स्पीड 40 प्लस हो गई। अब मैंने फोर्थ गियर डाला, सामने से स्कूटी आ रही थी उसको मैंने पासिंग डिपर दे दिया और बाइक आ रही उसको। फिर ये सिंगल रोड है दोस्तों, 8 फीट का रोड है, 8 से 10 फीट का। और गाड़ी अगर हमें यहाँ पे अपनी लिमिट की कंट्रोल में चलाना तो हमें सामने वाले को अलर्ट करना पड़ेगा। अभी मेरे सामने एक कार आ रही जो कि 300 से 400-500 मीटर दूर है। अब मैं अभी से अलर्ट हो जाऊंगा क्योंकि मेरे सामने एक बाइक भी जा रही है, उसको भी मुझे बचाना है। सामने कार आ रही है उसको भी मुझे बचाना है, तो मैंने उसको पासिंग डिपर दिया 2 बार क्योंकि क्रेटा आ रही है सामने से। अब मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर ली, ब्रेक लेके और क्लच लेके गियर को डायरेक्टली मैंने सेकंड कर लिया, फोर्थ गियर से डायरेक्ट मैंने सेकंड कर लिया ताकि गाड़ी का इंजन बंद ना हो। फोर्थ गियर में था तो मैंने ब्रेक से स्पीड कम करी, 40 से मैं 20 की स्पीड में आ गया, वापस क्लच दबा के गियर चेंज कर लिया। अगर आप 30, 40, 50 की स्पीड में चल रहे तो पहले ब्रेक दबा के गाड़ी की स्पीड को धीमा करेंगे, फिर क्लच दबा के गियर चेंज कर लेंगे, कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी। अभी सामने से देखो टेम्पो आ रहा है बट मुझे बाइक वाले को ओवरटेक करना है। अब मैंने क्या करा, लॉन्ग हॉर्न दिया इसको, लंबा हॉर्न, और वापस मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबा के गियर चेंज कर लिया। अब मैंने गियर डाल दिया फोर्थ। अब लेकिन सामने टेम्पो है, मैंने ब्रेक दबाया, स्पीड कम करी, अभी स्पीड मेरी आ गई 20। अब मैंने गियर डायरेक्ट सेकंड कर दिया और यहाँ पे मैंने गाड़ी को एक टायर मैंने नीचे उतारा, आप देख सकते हैं एक टायर, दोनों गाड़ी आसानी से निकल गई बिना टकराए बिना घबराए। सामने से ऑल्टो आ रही, मैंने उसको डिपर दे दिया। अलर्ट करने का मतलब होता है 100 मीटर बिफोर। अब मैंने उसको दोबारा फिर पासिंग डिपर दिया, ठीक है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि पासिंग डिपर का रोल क्या होता। अब मैंने हल्की सी गाड़ी दबाई, उसने भी दबाई, मेरी लेफ्ट वाला टायर मेरा गड्ढे में गया क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हैं। अगर मैं उसमें अपनी गाड़ी का टायर लेके जाऊंगा तो मेरी गाड़ी की बॉडी टकरा जाएगी, तो ऐसे में हमें गड्ढे में गाड़ी को नहीं उतारना है। अभी वापस मैंने थर्ड गियर में गाड़ी को डाल दिया, अभी मैंने अंकल को हॉर्न देके अलर्ट कर दिया है और थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करी। अभी स्पीड मेरी 40 क्रॉस कर गई। अब मैंने डायरेक्टली क्लच दबा के फोर्थ गियर डाल दिया है। अब ये गाड़ी मेरी फोर्थ गियर में चल रही स्मूथ, बट सामने ब्लाइंड टर्न है, आप देख रहे हैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सामने। अगर कोई 70-80 की स्पीड में गाड़ी आ रही होगी तो मेरे लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए मैंने लॉन्ग हॉर्न दिया, एकदम लंबा हॉर्न दिया, और ताकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो वो भी अलर्ट हो जाए। पासिंग डिपर हम सामने वाले को तब देंगे जब वो हमारी गाड़ी को नोटिस कर रहा हो। वैसे नाइट में अगर अब देखो ये सामने से दूधिया आ गया, मैंने उसको डिपर दिया, उसने अपनी गाड़ी साइड कर ली। इस रोड पे भी दो गाड़ियां आसानी से निकल सकती, चाहे फोर व्हीलर हो चाहे यहाँ तक का टेम्पू हो। अब हमें बस एक चीज का ध्यान देना, थोड़ा दूर का जजमेंट करना है, जितना दूर का आप जजमेंट करोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। अभी देखो 2-3 गाड़ियां हैं। अब मेरे लेफ्ट में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं क्योंकि बारिश हुई है तो कीचड़ भी है, तो मैंने गाड़ी को प्रॉपर रोक लिया, एकदम रोक लिया गाड़ी को साइड में। अब ये आराम से निकल जाएंगे, मैंने पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक लेके गाड़ी को रोक लिया। अब ये बंदा निकल गया, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी को वहीं के वहीं स्टॉप कर लो। बट एक चीज का हमेशा ध्यान देना कि राइट साइड में इतना स्पेस आपने छोड़ रखा हो कि अगला बंदा आसानी से निकल जाए, अगर स्पेस ही नहीं है तो फिर कैसे लेके जाएगा वो, ये चीज हमेशा ध्यान देना। अब व्हाइट ये रोड है, रोड पे देखो 2 व्हाइट लाइनें हैं, इस लाइन के बीच का जो अंदर का एरिया वो 8 फीट का है, रोड ये 10 फीट का है, सामने ब्लाइंड टर्न है। अब ऐसी कंडीशन में अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही, सामने से देखो विफोलो आ रही है और लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में काफी बड़े बड़े खड्डे हैं, अब यहाँ पे मुझे एकदम अलर्ट हो जाना एकदम, क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आ सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा क्लच और ब्रेक पे पैर रख के और गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखना है। अभी रास्ता क्लियर है, मैंने स्पीड बढ़ाई, अभी मेरी गाड़ी पहुंच गई है 40 प्लस। अब मैंने पूरा क्लच दबाया और फोर्थ गियर डाल दिया, गाड़ी वापस रनिंग में आ गई है, दूर दूर तक कोई भी दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे 300 मीटर पे जाके टर्निंग पॉइंट है, गांव वाला एरिया है तो राइट साइड से भी गाड़ी आ सकती है और सामने से भी। तो मैंने क्या करना है, पासिंग डिपर देना, लॉन्ग हॉर्न पुश करना, लंबा हॉर्न, ताकि आगे से कोई या राइट से कोई आ रहा हो तो वो अलर्ट हो जाए। अभी मैंने वापस स्पीड ब्रेकर आया था, यहाँ पे हाफ ब्रेक ले लिया, क्लच की जरूरत नहीं थी क्योंकि गाड़ी मेरी 50 प्लस थी, तो मैंने बिना क्लच के 50% ब्रेक लेके गाड़ी को डाउन कर लिया। अभी गाड़ी मेरी 40 प्लस चल रही तो मुझे गियर चेंज करने की कोई नीड नहीं है। अगर मैं फोर्थ गियर में था और गाड़ी मेरी 20 या 30 आ जाती तो मुझे गियर चेंज करना पड़ता,
20 आ जाती तो मैं सेकंड गियर डालता, अगर 30 पे रहती तो मैं उसी स्पीड में मेंटेन कर लेता, फिर मैंने इनको पासिंग डिपर दिया और अपना राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा। जब हम किसी भी गाड़ी को पास देते हैं तो हमारा राइट वाला पैर ब्रेक पे होना कंपलसरी है, ताकि गलती से भी अगर गाड़ी डिसबैलेंस हो जा रही है तो हम ब्रेक लगा सकें। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक्सेलेटर पे पैर रखे रहते, वो कहते हैं मैंने एक्सेलेटर को छोड़ दिया था, दबाया नहीं। लेकिन मेरे भाई दबाया नहीं, लेकिन आप ब्रेक पे पैर भी तो नहीं लाए। अब सामने देखो दो गाड़ियां आ रही है, लेफ्ट में मेरे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, अब मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं उतारूंगा। यहां आप देख सकते हैं स्पेस ज्यादा नहीं है, अब हल्का सा मैंने लेफ्ट दबा लिया ताकि वो भी निकल जाए और मैं भी, एक्सेंट है राइट साइड में सामने, तो दोनों गाड़ी आसानी से निकल गई। अगर आपको लगता है कि ऐसी कंडीशन में आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही तो आप रोक लो गाड़ी वहां पे, कम जगह में गाड़ी को रोक के खड़े हो जाओ, क्योंकि तब दोनों लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं। भाई आपने गाड़ी रोक दी तो जो बंदा निकाल रहा है ना वो ज्यादा ध्यान देगा, आप तो खड़े हो गए हो, अब पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना डियर, कि आपके राइट साइड में इतना स्पेस होना चाहिए जिससे कि वो आसानी से बंदा निकल सके। तो अभी दोस्तों मैं फाइनली MG Fun सिटी को मैं क्रॉस कर चुका हूं और वापस अभी मेरे सामने दो तीन गाड़ियां आ रही हैं, बट काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं तो मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं उतारूंगा। भाई ने भी गाड़ी हल्की साइड दबा ली है और अब मैंने वापस, वो लोग निकल गए, मैंने राइट वाले मिरर को रिकॉल किया, वापस गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के बढ़ा लिया, क्योंकि गाड़ी चल रही थी फोर्थ गियर में। गाड़ी मैंने पूरा क्लच लेके और ब्रेक लेके गाड़ी को रोका यहाँ पे, वापस मैंने उसको डायरेक्टली फर्स्ट गियर में डाल दिया, अब गाड़ी मूव कर गई। अभी सामने से कुछ बाइकें आ रही हैं, बाइकों के लिए मैंने पासिंग डिपर दे दिया ताकि वो बंदे अलर्ट हो जाएं, और मैंने फिर हॉर्न देते हुए गाड़ी की स्पीड मेंटेन करी है। अभी मेरी गाड़ी चल रही है 40+, मैंने डाल दिया फोर्थ गियर। जैसे जैसे बड़े गियर में आप चलते हो वैसे वैसे आपकी गाड़ी स्मूथ चलती है, बहुत ही लाइटली चलती है स्मूथ। तो ऐसी कंडीशन में जब अब देखो लेफ्ट में बंदे ने साइड दे दी, अब मैंने क्या करा, उसको लॉन्ग हॉर्न पुश किया ताकि वो अलर्ट हो जाए, और मुझे भी ये देखना है कि कहीं ऐसा ना उसको मेरी गाड़ी छू जाए। सामने से देखो ईओन आ रही है और कितने बड़े बड़े खड्डे, अब मैंने क्या करना, स्पेस नहीं है, दोनों को कोऑपरेट करना। मैंने गाड़ी को अपनी एकदम स्लो कर लिया जीरो की स्पीड में, अब मैंने इसको सेकंड गियर में डाल दिया फोर्थ से और गाड़ी आसानी से निकल गई। तो आप चाहे जितना कंजेस्टेड एरिया हो, ट्रैफिक वाला एरिया हो, अगर आप दोनों लोग चाहो तो गाड़ी बहुत ईजी निकल जाएगी। मेरे लेफ्ट और राइट में आप देखोगे कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, कितने जबरदस्त, ऐसे में हमें कब क्लच कब ब्रेक लेना, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब देखो सामने आ गई है वैगनार, अब लेफ्ट में मेरे 2 से 2.5 फीट का खड्डा है, मैंने गाड़ी को रोक लिया यहीं पे, अब मैंने रोक लिया, दूसरी गाड़ी भी आसानी से निकल गई। अब मैंने क्या करा, पहले गियर में करके गाड़ी को वापस बढ़ा लिया पहले गियर में, क्योंकि गियर मेरा थर्ड था वहां पे। गाड़ी को रोकने के बाद हमेशा आप उसको फर्स्ट गियर में बढ़ाओगे, ना कि सेकंड गियर में। अभी मैंने स्पीड मेंटेन करी, सामने टेम्पो आ रहा, उसको मैंने एक दो बार पासिंग डिपर दिया, ठीक है, और वो लोडेड भी हो सकता है, क्योंकि अगर लोडेड होगा तो नीचे नहीं उतारेगा वो। मैंने गाड़ी को वापस रोक लिया ताकि वो आसानी से निकल जाए, उसने गाड़ी अपनी दबा ली साइड, मैंने फिर स्पीड मेंटेन करी वापस, फिर मैंने सेकंड गियर डाला, अभी स्पीड बढ़ा के मैंने वापस थर्ड गियर डाल दिया। सामने से ट्रैक्टर भी आ रहा है और एक भैया जी आ रहे हैं जो कि सटरिंग का सामान लेके जा रहे हैं। अब ये ट्रैक्टर है, अगर ये लोडेड होगा तो नीचे नहीं उतारेगा, लेकिन मैंने उसको डिपर दिया तो उसने गाड़ी दबाई साइड। अब मेरा काम क्या है कि मैं भी अपनी गाड़ी को हल्का सा लेफ्ट दबा के और आसानी से कार को निकाल लूं, ताकि अगले बंदे को भी स्पेस मिल जाए। और देखो समझदार ड्राइवर वही होता है जो एक दूसरे को भी बचाए, आप अपने आप को तो बचा सकते हो लेकिन अगले को भी बचाने की पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो अनट्रेंड है, नया बंदा है, तो आप उसे कोऑपरेट करो, ये समझदारी होती है दोस्तों। तो आपने देखा किस तरीके से ऐसे कंजेस्टेड एरिया में, जो 8 फीट के रास्ते पे पूरी गाड़ी में कंट्रोल करता रहा हूं, क्योंकि मैंने रोड से ज्यादा गाड़ी उतारी नहीं, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट में देख रहे हो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कार को चलाना बहुत ही टफ काम है। अब सामने से देखो XUV आ रही है 700, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि भाई बड़ी गाड़ी है और थोड़ा सा मैंने अपनी गाड़ी को साइड दबाया, बस ज्यादा नहीं हल्का सा, और उसने भी साइड कर ली, देख रहे हैं आसानी से गाड़ी इजीली निकल गई। अब मैंने वापस स्पीड मेंटेन कर ली और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया, गाड़ी इजीली निकल गई है। तो अब सामने से बाइकें आ रही हैं, अब मैंने फिर भी पासिंग डिपर दे दिया क्योंकि पीछे उसके कार आ रही है, मुझे बाइक पे फोकस नहीं करना, मुझे उस कार पे फोकस करना है। मेरे लेफ्ट में देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, अब उसने गाड़ी अपनी नीचे उतार ली और मैंने भी नीचे हल्का सा दबाया। तो अगर जहां पे आपको लगता है कि आपकी कार बहुत आसानी से निकल जाएगी बिना डिस्टर्ब, क्योंकि दोस्तों देख सकते हो ना कितने बड़े बड़े खड्डे हैं लेफ्ट और राइट में,
ऐसे बड़े बड़े गड्ढों वाली एरिया में कार को अगर आप नीचे उतारोगे ना, तो आपकी गाड़ी का भाई बैंड बच जाएगा, सस्पेंशन पूरा चला जाएगा। सस्पेंशन में शॉकर है, कैची है, बाल एंड बाल ज्वाइंट है, स्टीयरिंग है, ये सारी चीजें होती हैं, तो काफी मोटा खर्चा आ जाता है। अभी मैंने अपनी गाड़ी को एकदम स्लो कर लिया, भाई ने भी थोड़ा सा दबाया, मैंने भी दबाया, दोनों लोगों ने दबा के गाड़ी को आसानी से निकाल लिया, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में। अभी मैंने वापस स्पीड मेंटेन करी, थर्ड गियर डाला और धीरे से गाड़ी को मैंने वापस मूव कर लिया। सामने से मेरे ऑल्टो आ रही, मैंने उसको पासिंग डिपर दिया एक बार और मैंने गाड़ी को थोड़ा सा डाउन किया, उसने भी डाउन करा, दोनों लोग आराम से निकल गए। पासिंग डिपर इतना हेल्पफुल है सिंगल रोड के लिए कि हॉर्न से भी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप सामने वाले को पासिंग डिपर देते हो तो इसका मतलब ये आप उसको अलर्ट कर रहे हो, उसको बता रहे हो, उसको याद दिला रहे हो कि भाई मैं भी रोड पे हूँ। ये फाइनली मैं स्कॉर्पियो क्लब पे आ चुका हूँ दोस्तों, और अभी मुझे जाना है, यहाँ से लेना है CNG गाड़ी में, और बस अब मैं कुर्सी रोड पे निकल चुका हूँ और मुश्किल से 2 मिनट और मुझे लगेगा। ये मेरे ऑफिस से 12 किलोमीटर का राउंड है, जो मैं अपने ऑफिस से और यहाँ तक का 10 से 12 किलोमीटर का राउंड है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।